हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं आपके लिए आज दूसरी क्लास लेके आया हूँ। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के थर्ड सेकंड टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। और समथिंग पांच टाइप के क्वेश्चन है, फाइव टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में है, जो मैं टाइप वाइज अगर आपको समझा दूंगा तो दोस्तों ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रीम को 7826 लिखा जाए और यहाँ से ये अलग हो जाएगा, चाइल्ड को 531417 लिखा जाए तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। मतलब ये और से यहां से ये इतना भाग अलग हो जाएगा यहां से, और देखिए ड्रीम को इतना लिखा जाएगा तो ये चाइल्ड को ये लिखा जाएगा तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों मैं इसकी कोडिंग करके देखता हूँ, कोडिंग से रिलेशन आपको समझाने के लिए मैं कोडिंग करता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन आप ऐसे जब टाइप सारे फिनिश कर लेंगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कोडिंग करके मैं आपको सिंपल करने के लिए समझा रहा हूँ कि आप कैसे भी करके क्वेश्चन को पकड़ लें। कोडिंग कर रहा हूं, अगर इसमें रिलेशन नहीं निकला तो दूसरा कुछ रिलेशन होगा। देखिए डी फोर पे है, 18 पे आर होता है, 5 पे ई होता है, ए वन पे है, 13 पे एम होता है, ठीक है दोस्तों। और इस पे कोडिंग करते हैं, 3 पे सी होता है, एच पे 8 होता है, आई 9 पे होता है, और 12 पे दोस्तों एल 12 पे होता है, और डी जो है 4 नंबर पे होता है। और देखिए रिलेशन चेक करते हैं, देखिए दोस्तों कोई रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ 4 नंबर पे 7 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ठीक है ये है, और ये 1 2 3 4 5 मतलब ये इसमें भी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 अल्फाबेट्स हैं और 5 इधर नंबर दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, 5 डिजिट इधर दिए हुए हैं, 5 इधर और 5 अल्फाबेट इधर इधर, तो इसका मतलब हर एक अल्फाबेट से रिलेशन कुछ ना कुछ होगा इसका। और देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब 3 इंक्रीज हुआ, 3 बढ़े यहाँ पे, और यहाँ 18 है, यहाँ पे 8 है, 10 माइनस हुए, तो 2 नंबर हम इसका चेक कर ले, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, 2 बढ़े, यहाँ 2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 ये नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये कोडिंग में ये नहीं फार्मूला लग रहा है दोस्तों। तो मैं कोडिंग में दूसरा कोई फार्मूला लगा के देखता हूँ, दूसरा कोई इसमें फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 5 यहाँ अल्फाबेट्स एंड 5 डिजिट, 5 अल्फाबेट्स एंड 5 डिजिट, तो इसका मतलब ये है कि हर एक अल्फाबेट का मतलब ये होगा। और इसमें देखिए क्या कॉमन अल्फाबेट्स हो रहे हैं इसमें के अल्फाबेट्स जो है इसमें कॉमन मिल रहे हैं। देखिए एल एल यहाँ एल ये है, ई ई इस जगह पे है, और ए इसमें मिल रहा है, और डी जो है इसमें मिल रहा है डी, और उसके बाद ई जो है इसमें मिल रहा है, यहाँ पे आर जो है मिल रहा है, आर ये मिल रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है। और हम इसको चेक करते हैं डी यहाँ पे कितने नंबर पे, डी यहाँ पे, तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू 7 और डी इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब डिजिट का नंबर बताया गया है। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी आप पकड़ लोगे अगर ऐसे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एल 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 यहाँ पे एल है और 1, तो इसका मतलब 1, और उसके बाद दोस्तों ई, तो ई यहाँ पे है, तो ई का मतलब है ई तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर ओ है, 0 सॉरी, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे पांचवें नंबर पे है, तो 2, ए इज इक्वल टू 2, तो 2, और दोस्तों यहाँ पे डी दिया गया है, तो डी ये देखिए दिया गया है, डी यहाँ पे 7 नंबर पे है, 7 है, डी का मीन्स 7, तो 7 लिखेंगे दोस्तों। और ई जो है ई यहाँ पे थर्ड नंबर पे 0, और आर जो है 18, आर जो है सेकेंड नंबर पे, आर का मतलब 8 दोस्तों। देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया क्वेश्चन, और सेम ये टाइप वही है तो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए ये एसएससी स्टेनोग्राफर में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो में आए हुए क्वेश्चन है, और देखिए ये स्टेज को ये लिखा जाएगा और हॉर्न को स्लिम लिखा जाएगा, तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे, तो हम कोडिंग करके देखेंगे, हम लोग कोडिंग करके देखते हैं। 19 पे एस है, 20 पे टी है, और 1 ए है, और 7 पे, और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको क्लास किसी भी बच्चे को, भाई को, मेरे बहन को अगर क्लास नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके प्लीज बताइए, और आप कैसी क्लास लेना चाहते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट की हुई है, अगर आपको और भी अच्छी क्लास चाहिए आप मुझे बताइए, यूपीएसआई लेवल की भी मैं क्लास लूंगा, बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन उसके लेवल के, और आपको अच्छा लेवल में दूंगा, आप बताइए। और दोस्तों लाइक कीजिए जरूर, आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे,
देखिए दोस्तों यहाँ पे एच 8 नंबर पे है और 7 पे, 7 का मतलब है जी 7 पे होता है, 26 पे जेड होता है, 20 पे टी होता है दोस्तों, और हॉर्न को मैं कोट करूंगा 8 होगा और 15 ओ 18 पे आर होगा, 14 एन का मतलब 14, और देखिए एस का मतलब 19 और 12 12 और आई 9 और एम 13 होता है दोस्तों। और देखिए मैं कोडिंग कर लूंगा, इसमें चेक करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें चेक करूंगा 19 माइनस 11 ठीक है और 8 प्लस 11 तो इसमें सॉरी 19 और आप देखिए यहां आप सिंपल तरीके से पकड़ लेंगे यहां पे डिफरेंट हो रहा है कुछ, देखिए 20 यहाँ पे यहाँ 7 है तो ये माइनस 13 होगा, ये 13 है यहाँ पे 12, तो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है मतलब ये 3 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें प्लस माइनस नहीं लग रहा है, ये इसमें कोडिंग डिफरेंट हो रहे हैं, और क्योंकि इसका मतलब ये है स्टेज को ये लिखा जाएगा तो हॉर्न को ये लिखा जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे, कोई ना कोई सेम होगी तभी नॉर्थ में आप निकाल पाएंगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। तो मैं देखना 19 और अगर आपने अपोजिट आपने पढ़ी हुई आपको लर्न है अच्छे से अपोजिट तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए एच फॉर हिस होता है और 19 8 27 होते हैं दोस्तों, दो विपरीत वर्णमालाओं का योग 27 होता है दोस्तों, एच फॉर हिस एंड गोट, जी फॉर गोट और ए टू जेड एंड गोट, जी फॉर गोट 19 8 27 20 7 27 1 और 26 27 7 और 20 27, तो इसका मतलब दोस्तों क्या है ये अपोजिट है, और यहां देखिए 8 और 19 27 15 और 12 27 18 और 9 27 और दोस्तों 14 और 13 27, देखिए आप दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसका भी अपोजिट होगा, इसका मतलब ये यहाँ पे 13 पे लिया जाएगा, आपको अगर याद होगा एम फॉर मैन हो जाएगा और ओ 15 12 एल फॉर लू हो जाएगा और 18 पे ये आ जाएगा आई फॉर इंटर आई फॉर इंटर और ये जी फॉर गोट और ये एच फॉर हिस एस, दोस्तों ये आंसर आ जाएगा इसका, आप देख लीजिए आंसर ये आ रहा है, आपको चेक करके भी दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे 15 18 20 और 8 पे आएगा और यहाँ पे चेक कीजिए आप एम 13 पे आएगा 12 9 एंड 7 एंड 19 पे, ठीक है देखिए 13 और 13 26 सॉरी ये 14 पे आएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों एंड 14 पे आएगा, 13 और 14 यही होता है, अगर आपको दोनों टाइप होते हैं तो आप कहीं से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका नहीं होगा दोस्तों, 14 और 13 27 15 और 12 27 18 और 9 27 20 और 7 27 और 8 और 19 27, तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आ जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, इसके मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते, अगर कोई क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको अभी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में भी बताऊंगा, आपको ऑप्शन से पकड़ना सिखाऊंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं मैं। और देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और इसमें ओनली MY है और हम देखेंगे M 13 पे होता है, Y 25 पे होता है और दोस्तों ये जो B जो है 2 है और O 15 है, ठीक है और ये 2 12 यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, देखिए 2 प्लस 11 और ये हम आंसर हमको निकाल, मुझे आंसर निकालना था उसको, ये 20 हो रहा है और इसमें अगर 11 हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 31 मतलब 4 डी ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है, मतलब 20 में 11 में इसमें प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 31 मतलब 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 5 इसमें ई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लगेगा ही नहीं इसमें, हम और दूसरा तरीका देखेंगे और दोस्तों देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 है इसमें और इसमें 8 है दोस्तों, तो हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि इसमें यहाँ पे M है और यहाँ पे Y है, 1 2 3 1 2 3 मतलब ये तीसरा वर्ड है और ये छठा है, ठीक है दोस्तों मतलब तीसरे और छठे इसमें बार बार आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है तीसरा और छठा, तीसरा छठा
तीसरा छठा, तीसरा छठा, थर्ड सिक्स, ये रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। अब इसमें हम मैं क्या देखूंगा, ऑप्शन देखना है मुझे, ये देखिए। इसका मतलब ये है कि रिपीट अगर इसमें तीन छह हो रहा है तो इसमें भी रिपीट होना चाहिए। तो ऑप्शन से हम पकड़ेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन से कौन सा सही होने का चांसेस है दोस्तों। एम एन यू, यू एन एम, तो इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, ये नहीं सही होगा, किसी भी कैटेगरी से ए नहीं सही होगा, ठीक है दोस्तों। और नंबर सेकंड देखेंगे, एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू, ये हो सकता है, हम इसको सस्पेंस में रखेंगे। एम एम यू यू, एम एन एन, ये नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है दो दो रिपीट अलग अलग टाइप के हो रहे हैं, इसमें सेम सेम रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कुछ हम ऑप्शन से भी चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये यम यू एन, यम यू एन, यम यू एन, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है दोस्तों। अब मैं चेक करूंगा यहां से आके, अब मैं यहां से देखूंगा दोस्तों, अब वो जो आप, वो तो लग नहीं रहा, तो हम इसको मिटा देंगे दोस्तों, ये 20 और ये सब मिटा देंगे दोस्तों। इसमें इस समय थोड़ा सा लॉकडाउन जैसे माहौल है, इसीलिए दोस्तों ब्लैक बोर्ड नहीं आ पा रहा है, इसको ब्लैक बोर्ड बहुत जल्द मैं ले आऊंगा, आप परेशान मत होना दोस्तों, परेशान मत होना दोस्तों, बहुत ही जल्द ब्लैक बोर्ड आने वाला, ब्लैक बोर्ड जिस दिन आ जाएगा उस दिन एक दिन में आपको 15-15, 20-20 क्वेश्चन कराया करूंगा। इसमें मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड कोई भी मत लेना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि दो ऑप्शन ये गलत हो गए, दो में चेक करना है, तो वो तो कोडिंग लग नहीं रहा इसमें, तो हम ये देखेंगे थर्ड सिक्स यहाँ पे रिप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये छह है, यहाँ पे आठ है, तो इसका मतलब थर्ड मैं यहाँ पे चूज करूंगा, थर्ड, और सिक्स क्या है यहाँ पे एन। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जब छह थे और यहाँ पे क्या हो रहा है, यमयन, यमयन आ रहा है, यमयन आ रहा है, तो दोस्तों देख लीजिए केवल एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे एमयन आ रहा है, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूं, एक ये ऑप्शन है जहां पे यमयन आ रहा है, ये देखिए यहां पहले यमयू आ रहा है, तो इसका मतलब कि यमयन यू ये जो है ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी रिपीट होगा, देखिए दोस्तों ये भी रिपीट होगा। और देखिए आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे यमयू पहले आया था, यहाँ पे यमयन आया था, यहाँ पे एमएन आया है, तो इसका मतलब ये वाला राइट क्वेश्चन आंसर है, जो कि राइट आंसर है ये राइट आंसर है दोस्तों, यमयन यू, यमयन यू, यमयन यू, देखिए रिपीट भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तीन रिपीट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे तीन रिपीट हो रहे हैं, फिर थ्री रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको मैंने तीन बताए क्वेश्चन, और दोस्तों मैं बहुत ही जल्द जब ब्लैक बोर्ड चेंज हो जाएगा मैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन एक एक दिन में बताया करूंगा, और क्लासेस बहुत ही रेगुलर चलेंगी अच्छे से, ये जिस दिन ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया दोस्तों। देखिए आप ये एसएससी स्टेनो में क्वेश्चन आया है, और ये भी एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी एसएससी स्टेनो और दो तीन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन सभी अच्छे हैं। कोडिंग डिकोड मैं आपको बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है वो आपके हर एक एग्जाम में मिलेगा, कोडिंग के फोर्थ टाइप के क्वेश्चन समझाने के लिए आया हूँ, और ये कोडिंग डिकोडिंग के फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, और दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक नॉर्मल क्वेश्चन, आपको हल्के में किसी क्वेश्चन को नहीं लेना है, छोटा सा छोटा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आते हैं, एसएससी 10+2 सीएचएसएल में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको सो बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये नॉर्मल साइज नॉर्मल बनाया है क्वेश्चन, और ये मैंने अपने हाथ से क्वेश्चन बनाया है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें ये फोर्थ टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको इसको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में इसको शॉर्ट तरीके से पहचानना भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को देखिए आपको, इसके बाद मैं आपको सिंपल तरीके से पकड़ना भी क्वेश्चन बताऊंगा कि सिंपल तरीके से आप कैसे पकड़ सकते हो, इतना ना पढ़ के थोड़ा सा पढ़ के आप क्यों आंसर पकड़ लोगे। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए, तथा वकील को सर्जन कहा जाए, और कहा जाए तो सर्जन कहा जाए,
तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो देखिए इसमें सिंपल सब पूछ रहा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो पूछा गया अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो सबसे नंबर वन की क्वेश्चन हमारा यहाँ से चालू होता है, चालू हुआ अपराधियों को कौन पकड़ेगा। ये तो इंस्ट्रक्शन दी गई, निर्देश दिए गए हैं, क्वेश्चन तो यहां से चालू हुआ अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो आपको मालूम है अपराधी को कौन पकड़ता है दोस्तों? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। तो पुलिस जो है, पुलिस को शिक्षक कहा गया, पुलिस को क्या कहा गया? शिक्षक कहा गया। इसका मतलब, इसका आंसर दोस्तों शिक्षक होगा, और इसको शिक्षक होगा और टीचर होगा। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसको सिंपल तरीके से आपको पकड़ना बता रहा हूं। जैसे कि इतने यहां से लेके यहां तक, तो तक यहां जो तो लिखा है, यहां से उसने क्वेश्चन पूछना आरंभ किया, स्टार्ट किया है। इतनी तो उसने इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए है। देखिए आप यहां से, आपको कभी शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन पकड़ना है तो आप यहां से पकड़ेंगे क्वेश्चन, यहां से देखिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधी को क्या कहा, अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। तो ऊपर देखिए पुलिस को शिक्षक कहा गया, तो सिंपल तरीके से आंसर शिक्षक आ गया। अब यहां मैं कई तरीके से क्वेश्चन चेंज कर सकता हूं, जैसे कि पूछ दिया क्वेश्चन कि नेता, सॉरी इलेक्शन कौन लड़ेगा, अगर पूछ दिया जाए तो इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो इलेक्शन कौन लड़ता है? नेता, राजनीतिक लड़ते हैं, तो राजनीतिक को क्या कहा गया है? डॉक्टर, तो इलेक्शन डॉक्टर लड़ेंगे, सिंपल से क्वेश्चन। तो ऐसे जैसे कि क्वेश्चन यहां से और एक बना दे, तो केस कौन लड़ेगा, तो केस कौन लड़ता है? वकील, वकील लड़ता है। यहां से ही क्वेश्चन चालू होंगे, ये तो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं। तो केस कौन लड़ेगा, तो केस वकील लड़ता है, तो वकील को सर्जन कहा गया है, तो सर्जन आंसर आ जाएगा। या आपसे क्वेश्चन करेगा कि तो इलाज कौन करेगा, तो इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है, तो डॉक्टर को वकील कहा गया, तो इलाज वकील करेगा। तो दोस्तों ये सिंपल तरीके क्वेश्चन थे, आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये अपने हाथ से मैंने क्वेश्चन सेट किया है क्योंकि मुझे देखने को एक एग्जाम में मिला है एसएससी के। देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास जिसका रिलेशन एक नए वर्ड से जरूर होता है। देखिए पुलिस को शिक्षक, शिक्षक का रिलेशन शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, ये रिलेशन है, इसमें एक दूसरे का रिलेशन नहीं होगा। देखना ये एसएससी बहुत पसंद करता है, इस टाइम दोनों पॉपुलर है, ये तो बहुत पॉपुलर है पहले का, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का, हार्ड लेवल का ये पॉपुलर ज्यादा है। दोस्तों देखिए यदि केन्या को सीलिंग कहा जाए और ईरान को रियाल कहा जाए, भूटान को नेगलथर्म कहा जाए या गुलट्रम कहा जाए, इराक को दिनार कहा जाए, थाईलैंड को भात कहा जाए, तो अजरबैजान को क्या कहा जाएगा? देखिए इसमें पहली बात कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे कि शिक्षक यहाँ कॉमन मिल रहा, राजनीतिक यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दो से रिलेशन है, केवल दो का रिलेशन एक दूसरे से है, और आप हर दो का एक दूसरे से रिलेशन जरूर है, जैसे भूटान का नेगलथर्म, इराक का दिनार, थाईलैंड का भात और अजरबैजान को क्या कहा जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है केन्या की सीलिंग अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप दिनार तो पहचान लेंगे, क्योंकि इंडिया में पहले मुगल काल में बहुत पहले ये दिनार वगैरह चलते थे। और मौर्य काल में देखिए दोस्तों केन्या को सीलिंग कहा जाए, ये वहां की करेंसी है, भूटान को नेगलथर्म कहा जाए, करेंसी है। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन। दोस्तों एसएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद करता है जिसमें वो जितना ज्यादा हो सके आपसे नॉलेज ले सके, पता कर सके कि आपके अंदर क्या कितना टैलेंट है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें जीएस भी मिक्स है और आपकी इसमें रीजनिंग भी मिक्स है, उसके बाद में एसएससी को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे जिसमें मैथमेटिक्स भी अरेंज हो, मिक्स हो। देखिए केन्या को सीलिंग कहा जाए, वहां की करेंसी होती है, तो सीलिंग द, और ये देखिए ईरान को रियाल कहा जाए और भूटान को नेगलथर्म कहा जाए, इराक को दिनार कहा जाए, मतलब इराक की करेंसी है ये दिनार, थाईलैंड की बहत है थाईलैंड। और इसमें आपसे कैपिटल भी पूछ सकता है, केन्या की नैरोबी, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद और भूटान की थिम्पू, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और उसी अकॉर्डिंग दोस्तों ये देखिए जैसे करेंसी के बारे में सबने पूछा गया, तो पूछा गया अजरबैजान को क्या कहा गया। जैसे अजरबैजान की आपको बहुत ही टफ ये लगेगा अजरबैजान, लेकिन हमने इसलिए मैंने ये अजरबैजान को पूछा क्योंकि दोस्तों ये यूपीएसआई में पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया था कि यूपी अजरबैजान की राजधानी बताइए, और करेंसी भी पूछ सकता है आपसे, तो मैंने आपके लिए ये टफ किया है तो आपको किसी एग्जाम में मिल सकता है, तो मैं सिंपल भी इसको कर सकता था। अजरबैजान की राजधानी, इसमें इंडिया के आसपास के नाम ज्यादा लिए ही नहीं है हमने। अजरबैजान की जो की करेंसी है वो मनात है, मनात अजरबैजान की करेंसी है, और वहां की राजधानी जो की है वो बाकू है, और ये बाकू राजधानी है वहां की,
कैपिटल ऑफ अजरबैजान, और ये यूपी यूपीएसआई प्रीवियस में आया था, यूपीएसआई में इसकी राजधानी, क्योंकि पिछले बार मुझे पता हुआ था। और दोस्तों आपको दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए, और जितने भी क्वेश्चन ये इसमें छूटेंगे कोडिंग डिकोडिंग लेवल में, उसको मैं एक्सरसाइज जब कराऊंगा लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस के, तो वो मैं सारे क्वेश्चन इसमें फिनिश कराऊंगा, जो भी छूटे होंगे क्वेश्चन आपको सब बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ये नहीं कि फास्ट में बताऊंगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये अच्छा सा क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में आया है, एग्जाम में आया है, तो मैंने सोचा इसको क्वेश्चन को आपको एड कर दूं, इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें कोडिंग करके देखते हैं, कोडिंग करके देख रहे हैं दोस्तों कि ये 18 है और ये 5 ई को कहते हैं, 1 को ए कहते हैं, 19 को यस कहते हैं, और 15 उसको कहते हैं ओ को, और 14 कहते हैं एन को। ठीक है दोस्तों, 14 एन को कहते हैं। सो दोस्तों चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो मैं देख रहा हूं 18 18, ये 18 18, 5 23 हो जाएगा, 23 1 24, 24 10 34 9 34 9 43, और 43 और 15, 43 और 15 हो जाएगा 48, 58 58 10 58 10 हो जाएगा 68 68 और 68 और 4 हो जाएगा आपका 72 72। दोस्तों इसका आ जाएगा जोड़, इसका योग 72 आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इसमें 5 कैसे आता है, इसका 5 कैसे आता है। ठीक है, इसमें 5 से 2 घटा रहे हैं दोस्तों, तो 2 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी चेक करके देखते हैं क्या यही नियम इसमें फॉलो कर रहा है। 2 एंड आई का 5 और एल का 12, 9 और 5 और 22 एंड 5 एंड 4। दोस्तों जो भी क्लास हो, पहली क्लास जिसने नहीं ली, वो डायरेक्टली क्लास ये न ले, अगर उसने स्टार्ट की, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा जल्दी से कोडिंग। और दोस्तों देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, 5 2 7 7 और 12 19 9 28, 5 33 और 33 और 33 और 22 हो जाएगा आपका 35 35 और 20 हो जाएगा आपका 55 55 और 5 60 64 64 6 4 आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा 64। तो दोस्तों इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 100 आएगा दोस्तों, ये 2 आएगा। तो इसका मतलब ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, और ये नियम नहीं फॉलो कर रहा, दूसरा चेक करके देखते हैं इसमें। अब एक नियम और इसमें देखिए, प्रॉपर एक संख्या है ना, इसमें होल स्क्वायर बन रहा है किसी का, ना होल क्यूब बन रहा है और ना इसमें माइनस करके आ रहा है। तो मैं संख्या एक बार चेक करूंगा, 1 2 3 4 5 6 6 है और 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 है, इसमें 7 संख्या, मतलब इन संख्याओं को जोड़ के घटाया गया है, 6 -1 = आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 -1 = आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 -1 = 8, ये दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और आपको ये कैसी मेरी क्लास लगी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं एसएससी के कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं, और ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको मैंने इस अकॉर्डिंग समझाया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो यहां से आप पकड़ लोगे, अगर इसमें वो हो रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, तो जैसे शिक्षक इसमें भी मिला, शिक्षक इसमें, राजनीतिक इसमें, राजनीतिक कॉमन मिल रहा है, तो आप यहां से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप, अगर कॉमन नहीं मिले तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। ऐसे में करेंसी भी पूछ सकता है आपसे, पार्लियामेंट्स के नेम भी पूछ सकते हैं, कैपिटल और गेम भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10+2 सीएचएसएल एमटीएस, मतलब हर एक एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही सही है क्वेश्चन। और यूपीएसआई या रेलवे, इतने देखिए क्वेश्चन जो होते हैं एनटीपीसी हो या चाहे यूपीएसआई हो, वो इतने क्वेश्चन लाएगा कहां से, जो क्वेश्चन जितने किताब में दिए जाएंगे उसी को मॉडरेट बना के इधर से उधर करके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अच्छी क्लास लगी तो दोस्तों कमेंट आप जरूर करना, उसके बाद में आप लाइक करना, लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए।